मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। इस बार महाराज कमलनाथ के साथ नहीं बल्कि शिवराज के साथ एक्टिव हैं। जी हां, एमपी में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सिंधिया ने वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर कांग्रेस के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बसात बिछाई जाने लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव हो गए हैं और सोमवार को उन्होंने वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है और पार्टी नेता साइलेंट मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने उपचुनाव वाली सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं, लेकिन बीजेपी जैसी सक्रियता नहीं दिख रही है। सूबे में कुल 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 22 कांग्रेस विधायकों द्वारा इस्तीफा देने से सीटें रिक्त हुई हैं, जबकि 2 सीटें विधायकों के निधन के चलते खाली हुई हैं। कांग्रेस को इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में नए तरीके से पार्टी खड़ी करनी है। ये वही विधानसभा क्षेत्र हैं जहां के कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है और उसके बाद प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, जिसे कमलनाथ सौदे की सरकार करार दे रही हैं। चुनाव तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो संकनाथ तो चलता रहता है। सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बने। ये प्रदेश का हाल है, प्रदेश की जनता इसका दावा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिंधिया के गढ़ में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना चुनौती बन गया है। ग्वालियर चंबल इलाके की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए शिवराज कैबिनेट में इलाके से अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में वर्चुअल रैली के जरिए सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को 3 विधानसभा सीटों पर अलग अलग तीनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। आपको जनता के समक्ष जाकर एक सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेना कि आप मान लो कि आप विधायक बन गए, साधारण तौर पर भारत की राजनीति में जब 4 साल निकल जाते हैं विधायकी का, 4.5 साल निकल जाते हैं, तब विधायक सोचता है कि मैं त्याग पत्र दूं। मुझे 70 साल के देश के इतिहास में बता दो आप कि कौन से राज्य में एक साल के अंदर 20-20 विधायक, 6-6 कैबिनेट मंत्री ने ये कठोर निर्णय लिया है कि सरकार से हम कैबिनेट मंत्री का पद का त्याग देंगे, अपने विधायकी का पद त्याग देंगे और जनता का रास्ता हम लोग पकड़ेंगे। ये कांग्रेसियों का हद, इनका इनकी नौबत क्या गई है ये कहने के लिए कि ये लोग गद्दार हैं? अरे भैया, इनको समझा देना पोलिंग बूथ तक जा जाकर कि विकास की लड़ाई, असत्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, यही भारत का सबसे बड़ा धर्म है। और जो इनको हमने आज आईना दिखाया है, 15 महीने का इनका कार्यकाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे मुंगावली के कार्यकर्ता, कि मेरे और शिवराज सिंह जी के अलावा आपके यहां कोई कांग्रेस का संतरी मंत्री, तंत्री, मुख्यमंत्री कभी आया 15 महीने? किसने अपने, किसी ने अपना चेहरा दिखाया? किसी ने क्षेत्र का विकास किया? जो ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आज फड़फड़ा रहे हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि सेवा का अवसर
इनके हाथों से मिल निकल गया, ये फड़फड़ा रहे हैं कि उनकी कुर्सी नीचे से खिसक गई। और कुर्सी इसलिए खिसक गई, इसका अफसोस है, इसलिए नहीं क्योंकि जनसेवा के पथ पे नहीं चल पाए, इसलिए क्योंकि ये बनाना बंद हो गया। जो राजनेता जनसेवा का रास्ता को अपना औद्योग और धंधा देखे, उस राजनेता को सड़क पर लाना मेरा दायित्व और धर्म बनता है। हर चीज पर वादा खिलाफी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो कहा था ना, आप लोग भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, विष्णुदत्त जी भी सुन रहे थे, आलोक शर्मा जी भी सुन रहे थे, ब्रिजेश लुनावत जी भी सुन रहे थे, उमेश भी सुन रहा था, ब्रिजेंद्र भी सुन रहा था, आप लोग भी सुन रहे थे, बड़ी आशा और विश्वास के साथ। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, 10 दिन। और अगर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं होगा तो 11वें दिन को मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे मेरे मुंगावली के कार्यकर्ता हो, बताओ आप सही है कि नहीं। चलिए 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए, किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट किसानों के हाथों में दी गई, सही है कि नहीं। आज शिवराज सिंह जी ने फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के लोगों के साथ चर्चा की, 1 रुपया माफ नहीं हुआ है अभी तक, हाथ में कागज का टुकड़ा, बैंक में आज तक भी ऋण। और उल्टा कमलनाथ जी ने कोऑपरेटिव बैंकों के लोगों को कह दिया था कि तुम अपना ऋण माफ करवाओ, मतलब कोऑपरेटिव बैंक के बैलेंस शीट को इन्होंने पानी में डुबा दिया, 1 रुपया अपने तरफ से नहीं दिया, तो किसान का ऋण माफ नहीं। बड़े जोर शोर से कहा था कि 51,000 कन्यादान योजना में दिया जाएगा। मेरी बेटी, मेरी बहुएं मुंगावली में, किसी को मिला 51,000? नौजवानों के लिए कहा गया था, बेरोजगार भत्ता 4,000 रुपया प्रति माह हर नौजवान को दिया जाएगा। और आपको याद है वो शिविर आयोजित किए गए थे हर ब्लॉक में, हर जिले में, बताओ नौजवान तुम क्या करना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, क्यों बेरोजगार हो, पूरी फाइल बनाई गई थी। बताओ मुंगावली में किसी नौजवान को बेरोजगार भत्ता मिला 4,000 प्रति माह 15 महीने? तो जो सरकार की सूरत रहेगी कि जनता को झूठा आश्वासन देके वहां से पैसा खींचो और अपने पॉकेट को सींचो, क्या उस सरकार को सड़क पे लाना चाहिए कि नहीं, ये जनता से पूछो आप। वहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस में भी हलचल बढ़ने लगी है। कमलनाथ ने महाकाल दर्शन कर चुनाव प्रचार शुरू किया और बदनावर में चुनावी बिगुल फूंका। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव में कैंडिडेट को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।